बेशक उसका भी एक रिएक्शन होता है उसका जरूर आपको, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें जैसे कि सर में दर्द हो जाना, बोझ आ जाना, ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाना, आंखों में लाली बहुत ज्यादा आ जाना, हार्ट स्ट्रोक हो जाना, वो यकीनन किसी भी लिहाज से बेशुमार ऐसे हमारे पास मरीज मेरे पास आते हैं जो इसका इस्तेमाल एक अच्छे से करते रहे चीजों का, और यकीनन अब वो बिल्कुल भी वो बहुत सारी बीमारियों में और मुक्त हो। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यूरोकोमो लाकोफोलिया के होने के हवाले से इसमें बॉडी में जो टेस्टोस्टेरोन, हम लॉजिकली बात कर रहे हैं कि ये उनको बढ़ा, ठीक है, उसकी वजह से बाकी बॉडी के फंक्शन, थकावट, माइंड रिलैक्सेशन आपका इंक्रीज, स्ट्रॉन्ग का इंक्रीज, टेस्टोस्टेरोन का इंक्रीज, किडनी फंक्शन बेहतर, लो इम्यूनिटी कम, थकावट कम, तो ये सारी चीजें साथ है। क्लियर हो गया आपको? अभी तो सारी एक उसका एक इंग्रेडिएंट हमने भी देखा, तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि इसके अलावा ये क्लियर हुआ कोई और कॉमर्स के बारे में। तो जब आपने लोगों को ये बताना तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि तो बताना कि कितना नेचुरल है, नेचुरल कितना है, और इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इसके अंदर जो हर्ब्स को आपने बताना है, इंग्रेडिएंट्स को बताना है, और उसमें कंपैरिजन करना है, अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर हमेशा कंपैरिजन करता है, ठीक है ना। और कोई भी प्रोडक्ट जैसे कैल्शियम है, तो कैल्शियम को आप बाजार के कैल्शियम से क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो ज्यादा मजा आता है उसकी, ज्यादा एक आपको अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलता है। तो इसको भी आप इसी तरीके से लॉजिकली कि क्या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द केमिकल टाइप ऑफ ग्लास और नेचुरल ग्लास में क्या फर्क है, ठीक। एक चीज आपने क्या उसमें क्या चीज, मैं चाहूंगा कि आपको नाम याद हो, बड़ा पहला मेन इंग्रेडिएंट क्या था इसका, यूरोकोमो लाकोफोलिया। यूरोकोमो लाकोफोलिया क्या काम करता है, इसकी कुछ थोड़ा सा मुझे बताएंगे। टेस्टोस्टेरोन को बॉडी में इंक्रीज करता है, किडनी फंक्शन को बेहतर करता है, डिजायर और ये सारी चीजें उसकी उसकी जो मेंस डिजायर और उसकी प्लेयर इन चीजों को ख्वाहिशात को पूरा करता है और स्ट्रेंथ और स्ट्रांग करता है। सो वी आर क्लियर कि हमारा एक इंग्रेडिएंट जो इसमें शामिल है उसके एडवांटेजेस जाहिर है कि मेंस के हवाले से इतना ही इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। एग्री जी, यस सर। कोई क्वेश्चन के हवाले से पहले इसके हवाले से आ रहा है आपको, नहीं आ रहा, कोई ऐसा दिल सवाल नहीं है जी जी करें प्लीज, ताकि आगे जाकर बीच में हो जाएगी। इसमें जैसे उसे एक प्रश्न पूछा गया था जी जी, क्या ये लेट्स सपोज के स्पर्म्स के जहाँ हेड डैमेजेस होते हैं इनफर्टिलिटी के रिगार्डिंग, तो क्या ये उनको भी रिपेयर करता है? जी बिल्कुल, उनकी मैं आगे जाके जब हम पूरा इसको हम देखेंगे पांचों को, तो फिर उसके बाद आप इस पे जब एक टेस्टोस्टेरोन पे सॉरी ग्लैक्स पे मुकम्मल बात करेंगे उसमें यकीन ये सारी चीजें बिल्कुल आएंगी। इसके बाद इसमें सेकंड इंपॉर्टेंट चीज ये है, सेकंड इंपॉर्टेंट जो हमारे पास इसका इंग्रेडिएंट है पेम्पेनिला अल्पाइन, पेम्पेनिला अल्पाइन भी एक हर्ब है, एक जड़ी बूटी है जो इसके साथ शामिल की गई है। चार मेन क्या था, यूरोकोमो लाकोफोलिया था, उसके साथ पेम्पेनिला अल्पाइन को इसमें शामिल किया गया है, और खास तौर पर पेम्पेनिला अल्पाइन जो है उस स्टेमिना के हवाले से इनता ही है। अगर आप अच्छा स्टेमिना चाहते हैं, स्टेमिना और स्ट्रेंथ लाए रखिए उसमें मिला के ये चीजें होंगी, तो ये आपके स्टेमिना को बिल्ड करता है, राइट जी? यस सर। और अगर इसको पीछे देखें तो ये इसको खास तौर पे इंडोनेशियन व्याग्रा के नाम से भी, नेचुरल इंडोनेशियन व्याग्रा, इंडोनेशिया में इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है, और ग्लैक्स के हवाले से भी, और स्पेशली इस जो आपका ये इंग्रेडिएंट है पेम्पेनिला अल्पाइन, ये स्टेमिना, और मैंने जैसे कि आपको बताया कि इंडोनेशिया में
को एज ए नेचुरल व्याघ्रा के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके हवाले से ये मशहूर है कि जावा के जो किंग ऑफ जावा जो है वो महलों में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं स्ट्रेंथ स्टेमिना और मेंस डिजायर के हवाले से। तो स्टेमिना के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट, इसके हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट हो रही है। अगर आप देखेंगे इसको मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में भी इसके हवाले से बहुत ज्यादा बातचीत हुई और ये पता चला कि इसके जो खास तौर पर सेक्शुअल डिसफंक्शन के हवाले से या आपका सेक्शुअल मतलब जो फंक्शन है वो बेहतर करने के हवाले से कैम्पेलिना अल्पाइन भी इंथाई मेंस वाइटलिटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये ब्लड सर्कुलेशन को भी तेज करता है, आपके बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन को ज्यादा बेहतर तरीके से ये चलाता है और मेंस वाइटलिटी के हवाले से भी इंथाई अहम है। ठीक है, नंबर तीन हेलिक्ट्रस इरोजा। हेलिक्ट्रिक इरोजा भी इंतहाई इंपॉर्टेंट इसका एक इंग्रेडिएंट है जो उसमें शामिल है और ये मुख्तलिफ हवाले से खास तौर पर ये भी स्टेमिना के हवाले से। और आप देखोगे कि ये जो लोग हमारे इसको हम यूज कर सकते हैं जो एथलीट्स हैं उनके हवाले से इसको बड़ा यूज किया जाता है, इस जड़ी बूटी को एथलीट्स के हवाले से बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है इसको। और उसके साथ साथ अगर डायरिया और मुख्तलिफ इस किस्म के जो मसाइल मैदे के जो मसाइल हैं आपके उनके हवाले से भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम करता है। एंटी ऑक्सीडेंट भी है, एंटी ऑक्सीडेंट का भी काम करता है ये आपके बॉडी के अंदर से जो फ्री रेडिकल हैं उनको निकालता है। क्योंकि फ्री रेडिकल आप जानते हैं हमारे जिस्म के लिए जितना ही नुकसानदेह होते हैं वो हमारे खुलियात को तबाह करते हैं, तो ये बॉडी में से एंटी ऑक्सीडेंट का भी ये काम करता है। चौथे नंबर पे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो है जिंजर। तो इसके अंदर अदरक भी शामिल है। अदरक के हवाले से यकीनन आप लोग उसको खुराक में भी इस्तेमाल करते हैं, खाने में भी इस्तेमाल की जाती है, अदवायात में भी इस्तेमाल की जाती है, दोनों चीज़ों में इस्तेमाल की जाती है, मेडिसिन भी इसको यूज़ किया जाता है। और इसके बहुत ज़्यादा इसमें जो चाइनीज है इस पर उन्होंने बड़ा रिसर्च है अदरक के ऊपर, और चाइनीज बहुत ज़्यादा एक तो लहसुन और एक अदरक बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो अदरक के हवाले से वो कह रहे हैं कि ना सिर्फ एक तो आपके जिस्म को गर्माइश पैदा करता है, आपके जिस्म को वार्म करता है, गर्म है काफी, गर्म है गर्माइश आती है। अगर ऐसे लोग जिनका ब्लड प्रेशर वगैरह बहुत लो है या ठंडे हाथ रहते हैं और कोल्ड फीलिंग महसूस करते हैं तो जिंजर उनके हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपकी ब्लड सर्कुलेशन को भी बेहतर करता है, खून दौरान खून को भी बेहतर करता है। पसीना नहीं जिन लोगों को आता तो जब आप उसको लेते हैं तो वार्म बॉडी आपकी होती तो पसीना भी आपका बेहतर तरीके से निकलता है। अदरक को बहुत सारी चीजों से देखा गया और अदरक के हवाले से ये भी कहा जाता है कि इट इज वेरी गुड कि आपके जोड़ों में दर्द आता है, ठीक है ना, आर्थराइटिस के जो पेशेंट्स हैं जोड़ों में या जॉइंट्स में भी जो पेन है उसके हवाले से भी अदरक जो है बहुत जबरदस्त काम, तो वो भी इसके अंदर शामिल है। तो मैंने कहा ना कि इसको आप इस तरीके से भी देखें तो ये जोड़ों के लिए भी बहुत अच्छा है, आपके ज्वाइंट पेन्स के लिए भी बहुत अच्छा है, आपकी थकावट के हवाले से भी इंतहाई बेहतर है। तो अदरक इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट, अदरक पे उन्होंने कहा कि अगर नेचुरल व्याघ्रा के हवाले से हम देखें तो एक स्टडीज आई, उन्होंने कहा कि सबसे जो इंपॉर्टेंट नेचुरल व्याघ्रा इस वक्त देखने में आ रहा है वो अदरक है। और एक तो हमने यूरोकोमा नोमोफोलिया की बात की, उन्होंने कहा कि बहुत ही तो इसको मलेशियन व्याघ्रा के नाम मलेशिया में मलेशियन व्याघ्रा भी इसको कहा जाता है, नेचुरल मलेशियन व्याघ्रा के हवाले से इसको इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन उसके साथ साथ जैसे मैंने बताया कि कमर में दर्द, लो बैक पेन, खून को पतला करना, खून की सर्कुलेशन को बेहतर करना, गर्माइश जिस्म में, ठंडा, लो ब्लड प्रेशर, थकावट, सर में दर्द, जोड़ों में दर्द, इन सब के हवाले से भी अदरक जो बड़ी कमाल की, क्या खराब होगा ऐसा ही है।
और उसके साथ साथ क्योंकि बेसिकली हमारे गैलेक्स में ये काम कर रहे हैं, तो गैलेक्स के हवाले से ये देखा जा रहा है कि जब ये तीन चार चीजें सारी इसके साथ मिल जाती है, पिपरीला, एलेक्ट्रस, जिंजर और उसका क्या नाम है अपना यूरोकोमो लॉन्गोफोलिया, तो ये फिर एक कमाल की प्रोडक्ट बन जाती है। और पांचवा आखिरी जो है हमारे पास इसमें आ जाता है रेस्ट्रो पाइपर रेस्ट्रोफ्रेक्टम। पाइपर रेस्ट्रोफ्रेक्टम भी पाइपर रेस्ट्रोफ्रेक्टम भी यकीनन इसके साथ एक ढाई एम प्रोडक्ट है। ये भी हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है और उसके साथ साथ ये हमारे बॉडी में से फ्री रेडिकल्स को निकालता है और फाजिल मालों को निकालता है, एंटीऑक्सीडेंट्स को निकालता है। ऐसे एंटीऑक्सीडेंट भी है, एंटीबैक्टीरियल भी है, क्लियर हो गए? एंटीबैक्टीरियल भी है, एंटीऑक्सीडेंट भी है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को भी बेहतर करता है, हार्ट को भी स्ट्रेंथन करता है। तो इन पांच प्रोडक्ट्स में अभी तक हमने पांच प्रोडक्ट्स देखे। नंबर वन क्या थे जी? यूरो गोमा लॉन्गोफोलिया। नंबर टू नंबर थ्री इलेक्ट्रिक एलोवेरा। नंबर चार नंबर पांच माइपर रेस्ट्रो फ्रेक्टम। अब ये पांच मेन इंग्रेडिएंट इसके अंदर शामिल किए हैं। असल में नो डाउट यूरोकोमा लॉन्गोफोलिया जो वो ग्लेक्स की रीढ़ की हड्डी है, अगर उस प्रोडक्ट को देखा जाए हर चीज किसी की रीढ़ की हड्डी होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा इसको जिस हवाले से कंपनी या प्रोडक्ट को लॉन्च किया जा रहा है तो उस हवाले से यूरोकोमा लॉन्गोफोलिया इसके अंदर जो मौजूद है। और ये कहाँ पे होती है? ज्यादातर साउथ एशिया के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जोन में ये पाई जाती है और इसकी बड़ी हिफाजत और दुनिया में बड़ी इसकी रिसर्च करने का पता लगा कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर द मेंस हेल्थ, मर्दाना हेल्थ के, क्योंकि मर्दाना हेल्थ के से ही ये सारे चीजें रखे। तो उसके साथ अगर ये चार और प्लस कर दी जाए तो आप सोचेंगे प्रोडक्ट कितना अच्छा हो जाए। तो टाइम से ये क्या है कि यूरोकोमा लॉन्गोफोलिया के साथ ये चारों चीजें भी इसके अंदर शामिल कर दी। सो उसका नतीजा यह है कि एक ऐसे दौर में जहाँ पे बहुत ज्यादा मसाइल हैं, बहुत ज्यादा टेंशन है, डिप्रेशन है और एक कुदरती एक ऐसा अमल है जो मैं समझता हूँ कि जिसके बगैर आपको कह सकते हैं जिंदगी मुकम्मल नहीं होती, तो उस अमल को नेचुरल तरीके से पूरा करने के हवाले से कि मर्दों में टेस्टोस्टेरोन की जो कमी उम्र के साथ आ जाती है, डिप्रेशन या टेंशन के हवाले से आ जाती है, वो नेचुरली पूरी की जाए और बॉडी के ऑर्गन्स भी बेहतर हों, बॉडी के ऑर्गन्स भी बेहतर हों और आपका सेक्सुअल फंक्शन जो है, सेक्सुअल डिजायर, वो सारी चीजें भी उसी तरीके से बैलेंस है, ना कि आप दोबारा केमिकल मेडिसिन से हो जाए। तो ये एक आप लोग जब बात करेंगे तो ये थोड़ा सा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप इसको इस तरीके से आगे लेके चलेंगे, लोगों को आपस में एक दोनों प्रोडक्ट को जो है उसका डिफरेंस जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है बताना। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि पाकिस्तान में से पहले भी प्रोडक्ट आते थे लेकिन दैट इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट, क्योंकि इसके अंदर जितना नेचुरल और बिल्कुल इनका जो इफेक्ट है बड़ा क्विक इफेक्ट है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस प्रोडक्ट का जो हमारे प्रोडक्ट है गैलेक्स, इसका इफेक्ट बड़ा क्विक है, ऐसा नहीं है कि स्लो इफेक्ट है इसका, बहुत ज्यादा बड़ा क्विक इफेक्ट है इसका। और जो कैप्सूल है वो खास तौर पर बड़े एक जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए उनको तैयार किया गया है ताकि उसकी जो एक ज्यादा से ज्यादा आपके जाके जल्दी बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर जो वो डिजॉल्व हो सके। उसके साथ सेफ है, क्विक इफेक्ट है, सेफ है और
इसकी जो इसके अंदर जो कैप्सूल है वो कितने कैप इसके अंदर 10 स्ट्रिप्स है तो हर एक स्ट्रिप में चार कैप्सूल मौजूद है यानी कि वो 40 कैप्सूल जो है इसके अंदर मौजूद है 40 कैप्सूल इसके अंदर मौजूद है ये स्ट्रिप्स के अंदर है 10 स्ट्रिप्स है हर स्ट्रिप में चार कैप्सूल इसके अंदर मौजूद है आप इसको सेफली ले सकते हैं और कोई इसमें मसला ऐसा नजर नहीं आता तो ये जो चार और चीजें इसके साथ शामिल है वो इंतहाई मैं समझता हूँ कि कमाल की चीज है अब इसमें आप ये देख सकते हैं कि कौन लोग इसको इस्तेमाल नहीं करते इस्तेमाल करने का जो इसका तरीका है हमारे यहाँ और चाइनीज के यहाँ क्योंकि बड़ा डिफरेंस है वेदर में खाने पीने में हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते खाते पीते हैं मोटापा है बहुत सारी चीजें हैं कितने लोग हैं जो एक्सरसाइज करते हैं मैं घर के कामों की बात नहीं करता अगर घर में आप काम करते हैं तो वो एक्सरसाइज नहीं है वो भी एक्सरसाइज है बर्तन धोना बेगम से डरना सारी एक्सरसाइज में आ जाए चलो वो एक आम ऐसे एक्सरसाइज बार बार जरूर करते हैं लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम बेगम से डर ग्राउंड में चले जाए और नेगेटिविटी क्या होगी आदत क्या होगी नेगेटिविटी तो वही होगा यस मैन यस मैन मतलब यस मैन ठीक है ये भी एक प्रोडक्ट है यस मैन अगर आप जिंदगी में खुश रहना है तो आप यस मैन हो रहे नहीं सिर्फ देखो क्या क्या कर तो अगर आपकी बेगम आपकी यस ना माने फिर ऐसा नहीं फिर आप क्या करेंगे मतलब रो पड़ेंगे चल तो सेफ है 40 कैप्सूल इसके अंदर मौजूद है और इसको आप अगर बेहतर यूज करना चाहते हैं मर्द हजरात से मैं बातें में खास तौर पर अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको इमरजेंसी और बहुत तेजी की ज्यादा यूज करना चाहते हैं तो आप एक घंटा पहले शहर में इसको खोल के कैप्सूल को शहर में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं उसमें सबसे अच्छा रिजल्ट आएगा राइट नॉर्मली अगर आप लेना चाहते हैं तो कम से कम शाम को 6 बजे आते हैं 6 बजे ले लें ताकि डाइजेस्ट भी हो जाए ये कैप्सूल बाहर आ रहा तो डाइजेशन बड़ी जरूरी है क्योंकि जाहिर है कि बड़े हैवी किस्म के इसके अंदर इंग्रेडिएंट शामिल है तो आप 6 बजे ले लें शाम को नीम गर्म पानी के साथ और वैसे अगर आप लेना चाहें इमरजेंसी में मतलब मुल्क में अगर इमरजेंसी लग गई है तो फिर आप शहद के साथ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कैप्सूल खोल के शहद में डालें और इस्तेमाल करें और मुझे बताया फोन करके ठीक है तो मुझे भी फीडबैक तो मिलनी चाहिए ना क्या कर देंगे नहीं फीडबैक पक्की बात है बड़ा हल्का था ऐसे मतलब नहीं देंगे अच्छा आप इसमें ये देखिए यहाँ आपको ये क्लियर होगा किसी के यूज करना यूज क्लियर हो गई इसकी आपको अब इसमें ये जो एक अच्छी बात यह है कि हम इसको उधर और आगे बढ़ाते हैं और आगे लेके चलते हैं इसके फवायद एक ये हमने देखा सेक्स के हवाले से देखा सब कुछ देखा हमने इम्पोटेंसी के हवाले से देखा प्रेयर के हवाले से देखा आपके जो स्पर्म है अगर वो पतले हैं उसको ये गाढ़ा भी करती है और टाइमिंग को भी बढ़ाती है आपके सारा एक वो जो सिलसिला है वो तो लेकिन मैं ना भी कहूँ तो आपको सारी बातें वैसे ही पता है और फिर भी क्या कर तो सिर्फ ग्लैक्स क्या नहीं आज तक मैं बात नहीं करूंगा मैं सिर्फ बात करूंगा ग्लैक्स तो आपको ये सारी चीजें खुद दिल में आ जाएंगी क्या कह रहा है ऐसा ही है ना जी जब आप जाए तो बहुत सारे ग्लैक्स खरीदते हुए जाए क्योंकि आप स्टेमिना स्ट्रेंथ के हवाले से भी और फिर सर्दियां जुकाम जुकाम भी नहीं होता अच्छा अब इसमें यूरोकोम और लाइकोफोलिया का काम है ये आपकी किडनी पे मैंने पहले भी अर्थ किया था ये किडनी की वर्किंग को स्ट्रांग करती है बेहतर करती है क्लियर हो गई पिंपलीना जो है ये आपकी स्प्लीन आपकी तिल्ली पे इसका इफेक्ट बहुत अच्छा है ब्लड सर्कुलेशन भी करती है साथ साथ ठीक है तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट था फिर एलेक्ट्रिक एरोजन जो है वो आपके लंग्स पे काम करती है आपके फेफड़ों में ऑक्सीजन डिफिशिएंसी सांस का फूल जाना
ऑक्सीजन डिफिशियंसी होगी तो नींद भी नहीं आएगी, बहुत सारे जैसे हमने कहा कि नींद ना आना भी एक की अलामत में से एक है, परेशानी टेंशन हो जाती है, सोचता रहता नींद, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कोई जाए ढूंढ के लाए न जाने क्लैक्स काम हो गया। तो आप ऐसे गाने ना गाएंगे, उसको देखिएगा तो कोशिश कीजिएगा कि आप इसको यूज करें, प्रॉपरली यूज करें, तो लंग्स भी आपके बेहतर, फेफड़े भी बेहतर होंगे क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक एरोजा भी शामिल है। जिंजर इज वेरी गुड आपके जिगर के हवाले से भी, लिवर के हवाले से जिंजर जो इसके अंदर शामिल है वो भी इंतहाई बेहतर है। ठीक है, तो लिवर में भी काम कर रहा है, स्प्लीन में भी कर रहा है, लंग्स में भी कर रहा है, किडनी में भी कर रहा है, और फाइबर रेस्ट्रोफेक्टम जो है वो आपके हार्ट पे, आपके दिल के ऊपर बड़ा अच्छा काम करता है, दिल की वर्किंग को और ज्यादा बढ़ाता है। तो दिल खुश होगा तो सब कुछ होगा ना जी, जब दिल ही बुझ गया तो जी के क्या करेंगे, लेकिन जीने की उम्मीद फिर लेस, कोई आपके हार्ट की वर्किंग को बेहतर रखेगा, दिल खुश होगा। और लिवर के हवाले से चाइनीज ये कहते हैं कि जिस आदमी को उदास देखो बैठा हुआ तो उसको वो कहते हैं कि एक सेइंग है, किसी को उदास देखें तो लगता है, वो कहते हैं कि इनका जो जिगर है वो बेहतर काम नहीं कर रहा। ठीक है, और वो कहते हैं कि एक आदमी जो बहुत खौफ में है और डरा हुआ रहता है, इसका मतलब है कि उसकी किडनी बेहतर नहीं काम कर रही, फियर किल्स द किडनी। ठीक, इसी तरीके से जो उदासी है वो आपके लिवर की वर्किंग को कम करती है। कहीं कोई वहां पे खातून हम जो चाइनीज देखते थे, लड़की देखते थे खासतौर पर, तो कहते थे इसका जिगर ठीक नहीं, मतलब क्योंकि चाइनीज क्या एक सेइंग है कि वो हमारे साथ दिल से बात नहीं करते, मतलब नहीं कहते कि जब किसी को बुलाते हैं ना हम तो कहते हैं कि हमें बड़ी खुशी हुई आप हमारे घर आए, हमें दिल ही खुशी हुई, हम दिल से ही कहते हैं दिल, तो चाइनीज ये नहीं कहते, वो कहते हैं फैशन कौशन नहीं लाया होती है वोमन फैशन कांछिए नहीं, कान कहते हैं लिवर को, तो वो जिगर से वो मन कोई भी खा ले तो उनको जिगरी खुशी होती है, हमें दिली खुशी होती है, उन्हें जिगरी खुशी होती है, हम आप जिगरी खुशी से वैसे ही करते हैं क्या खा रहा, लेकिन किसी को जिगरी खुशी हो तो हेपेटाइटिस का चक्कर ना हो, मतलब आप लगे कि आप तो मेरे जिगरी जा रहे हैं, इसमें मतलब कि आप मेरे ऐसे फ्रेंड जो कि जिगर ठीक काम नहीं कर रहे क्या खा रहे हैं। अब पहले आप लोग नहीं कहते जिगर के वाले, लोगों ने बातें छोड़ दी करें, इधर मल्ले में गली में बहुत ही मेरा बड़ा जिगरी आ गया, जिगरी आ गया, अब तो डर रहता है कि ऐसे जिगर बड़ा हुआ है वो भी नुकसान दे, तो वो चीजें सर, तो ये चंद चीजें चाइनीज सेइंग के बाद से अगर देखें तो बड़ी खूबसूरत फिलोसफी है, उनकी फिलोसफी मौसमों के साथ चलती है, उनकी फिलोसफी शायराना है, बड़ी पोएटिक फिलोसफी है, तो मतलब आपकी आवाज आपकी जुबान, मतलब अगर आपकी जुबान बहुत ज्यादा लाल हो रही है आगे ये तो इट मीन्स की हार्ट की वर्किंग बेहतर नहीं, येलो बहुत ज्यादा हो रही है तो आपका मैदा बेहतर नहीं है, ब्लैक हो रही है तो आपकी किडनी बेहतर नहीं है, बहुत ज्यादा व्हाइटिश टैग ऊपर आ गई है तो इसमें इसके लिवर की वर्किंग बेहतर नहीं है, तो बहुत सारी चीजें बिल्कुल ठीक भी आती है, मैं पेशेंट्स को देखता हूँ और उसके बाद एक लाइफ से उसको देखता हूँ तो वाकई पता लगता है कि वाकई डिफिशियंसी है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि हम ड्रग्स और मेडिसिन पे काम नहीं करते, हम डिफिशियंसीज पे काम करते हैं, तो ये भी क्लियर करना है लोगों को आज के सेशन में, हम क्या करते हैं हम लोग बाद थैलेसीमिया का मरीज ले आते हैं या कैंसर का ले आते हैं या ट्यूमर का ले आते हैं, तो उस पर हम कुछ नहीं कर सकते, बेसिकली हम हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो फूड सप्लीमेंट्स हैं, तो फूड सप्लीमेंट्स भी नहीं कहा जा सकता, हर्बल फूड सप्लीमेंट्स हैं, तो हर्बल फूड सप्लीमेंट जो है वो बॉडी के ऑर्गन की वर्किंग को बेहतर करता है, तो एक आदमी को क्या है एक आदमी आप यूँ समझ लें कि उसको अगर मिर्ची बढ़ती है वो एपीवाल या पीलिम खाता है तो वो लाजमी खाएगा, क्योंकि वो उसको ठीक नहीं कर रही, सिर्फ उसके दोरों को रोकती है। अब हमारी जो प्रोडक्ट अगर उसको देते हैं तो ये है कि जो ब्रेन में बहुत वो जल सोया रहता है, तो हमारा जैसे कैल्शियम 4 है लेसाथीन है उसके अंदर, तो ब्रेन टॉनिक है लेसाथीन को बेहतर करता है, तो वो देंगे तो वो रिपेयरिंग का काम करता है, तो हम उसको बंद नहीं करेंगे क्योंकि हम दोरों को नहीं रोक सकते, लेकिन बहुत सारे जो डैमेजेस हो जाते हैं जो डिफिशियंसीज आ जाती हैं उसको हम प्रॉपरली उनको दोबारा से बूस्टअप करते हैं और फंक्शन बेहतर करते हैं। तो चाइनीज फिलोसफी में आप ऑर्गन्स को बेहतर नहीं करते, उनकी वर्किंग को बेहतर करते हैं, और यकीन है जब वर्किंग बेहतर होती है तो आप इसे बंद होते हैं। इसी तरीके से अगर आप ग्लैक्स को देखें तो ये भी आपके को ट्रीटमेंट नहीं कर रही, आपका आपके अंदर जो डिफिशियंसी आई
टेस्टोस्टेरोन की जो डिफिशियंसी आई उसको नेचुरल तरीके से नेचुरल हर्ब्स के साथ क्या कर रही है, उसकी डिफिशियंसी को खत्म कर रही है और आपको बहुत ज्यादा एक मर्दाना कुव्वत ताकत की बख्श रही है और जिससे आपके बॉडी के और किडनी के सारे ऑर्गन जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाते हैं, उसके साथ बहुत सारे और भी मसायल जो आपके हल होना शुरू हो जाते हैं। अब एक बात के सामने आती है, क्या हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट इसको इस्तेमाल करें कि ना करें? बताया कि गर्म है, यैंग में आ जाता है, इसलिए यैंग प्रोडक्ट है, गर्म प्रोडक्ट है। एक पेपर होगा उसको आप साइन कर देंगे प्लीज साथ साथ, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट। आप ये देखेंगे हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट इसको इस्तेमाल ना करे तो बेहतर। तो वो कहते हैं दारो ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकल रहा है, तो ये दम नहीं निकल रहा, ये दम निकल रही है। उसमें ऐसा जरूर है कि आप उसको थोड़ा इस्तेमाल करें, लेकिन ये देख रहे कि कंडीशन देखने के बाद आप इसको यूज करेंगे, अगर तो आप बहुत ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर है तो फिर तो यकीन आप इस्तेमाल करें, लेकिन अगर थोड़ा सा ऐसा मसला है तो थोड़ा बहुत इस्तेमाल करके देखा जा सकता है। लेकिन उसके साथ फिर ये आप कोशिश करें कि आप बैलेंस करना चाहिए था सारे इस्तेमाल करें, ताकि अगर ज्यादा ब्लड ताकि वो कंट्रोल भी तो करें ना। अब ऐसा नहीं हो कि ब्लड प्रेशर बढ़ता जाए तो उसे नुकसान भी दे सकता है, लेकिन क्योंकि नेचुरल इंग्रीडियंट है उस तरह जो मेडिसिन लेते हैं उस तरीके से ये नहीं करता, लेकिन बाहर इसमें भी वो सारी नेचुरल ताकत तो उसमें मौजूद है जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट के लिए थोड़ा सा नुकसान दे सकती है। कम इस्तेमाल करें, थोड़ा करें, ऐसे देख के ऐसे करता है क्या कर रहा है, आपको तसल्ली हो जाएगी, सिर्फ ना था तुझे हुआ क्या है, आखिर पानी घुमा दे बल्कि सर से क्या फूल दिल हो तब भी ठीक है। ना अब खातिन के वाले से नहीं हो सकता ना। अब हमारे यहाँ एक कैप्सूल आया था ब्यूटी फेस हेल्थ कैप्सूल, अब मर्दों ने भी कहा ये खूबसूरती के लिए उन्होंने फेरे फेरे उन्होंने खाना शुरू कर दिया, बेसिकली वो हारमोन्स के वाले से था, वो खातिन के लिए जिनके हारमोन इम्बेल्स होते हैं, चेहरे पे बाल आ जाते हैं, मोटापा आ जाता है, उस वाले से। अब ये खातिन के लिए खातिन में क्योंकि ये हारमोन नहीं हो सकता, स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता, तो खातिन जाहिर है इस्तेमाल नहीं करेंगी, क्या कहना है खातीन जो ब्यूटी पेयर इस्तेमाल कर रहे हैं, अब आप कह रहे हैं जनाब ग्लेक्स खातीन इस्तेमाल शुरू कर, तो अगर ग्लेक्स खातीन तो फिर उनका बीबी कहाँ जाएगा, कितना गुस्सा आएगा उनको, फिर आप सोचेंगे आप घर में क्या क्या कह रहे हैं, आप घर में छी 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 करते हुए जाएंगे, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाते हुए जाएंगे, क्या ख्याल है? तो ये एक चीज ध्यान में क्लियर कर लीजिए, ये सिर्फ मर्दों के लिए, राइट जी, क्लियर? आर यू मी? राइट। ग्लेक्स के बारे में क्या कहते हैं, ग्लेक्स समझ आया आपको? कितने दोस्त हैं जो ग्लेक्स यूज करना चाहते हैं? कुछ हाथ बैठे हुए हैं, यूज कर रहे हैं अच्छा, कई लोगों ने दो दो हाथ खड़े किए हुए, ऐसा भी है दो दो, तो कुछ क्वेश्चन अगर आप ग्लास के हवाले से मुझसे करना चाहेंगे। जिनका दिल का पेशेंट हुआ पेशेंट हुआ होता है तो क्या वो दूसरा उनको आराम की जरूरत है जी। आप एक कैप्सूल जो है मैं समझता हूँ स्टार्ट जो है वो एक कैप्सूल से करेंगे, और बाद लोग ऐसे जरूर होंगे
कि जिनको इसको इस्तेमाल करने के बाद बाजू का हर आदमी हर आदमी की बॉडी केमिस्ट्री डिफरेंट है, मे भी थोड़ा सा वो सर में चक्कर महसूस करे, लेकिन उन चक्करों को भी वो जाए क्योंकि वो कुछ दिनों बाद वो नहीं होगा, मतलब तीन चार दिन इस्तेमाल किया है तो पांचवें दिन वो बॉडी के अंदर आपके एडजस्टमेंट जब हो जाएगी, क्योंकि जब आपके नई चीजें आपके बॉडी के अंदर जा रही हैं, इतने इंग्रेडिएंट्स आपके बॉडी के अंदर जा रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा इट विल टेक लिटिल टाइम। तो इंशाल्लाह जब आप उसको रेगुलरली यूज करेंगे तो मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा है इसको रेगुलरली, और ऐसे खासतौर पर लोग